रायबरेली केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र हो या फिर शहरी क्षेत्र, आवासीय योजना से लेकर हर योजनाओं का लाभ देने के लिए गांव और शहर तक सभी योजनाओं को पहुंचाया जा रहा है। लेकिन रायबरेली का एक ऐसा गांव है जहां आज तक कई परिवार प्रधानमंत्री आवास योजना से अभी तक लाभान्वित नहीं हुए हैं। हम बात कर रहे हैं रायबरेली की तहसील लालगंज क्षेत्र के ग्राम सैमनसी, जहाँ पीड़ित राम सजीवन विगत 10 वर्षों से खुले आसमान में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। राम सजीवन अपने 3 छोटे मासूम बच्चों के साथ झोपड़पट्टी में रहने को मजबूर हैं, जो कभी भी दैवीय आपदा का रूप ले सकती है। हालांकि इनका सूची में नाम नहीं है। कई बार इन्होंने मौजूदा ग्राम प्रधान अनुज शर्मा से सूची में नाम दर्ज कराने की बात कही, लेकिन प्रधानमंत्री योजना की साइड ना खुल पाने के कारण अभी तक पीड़ित का नाम दर्ज नहीं किया गया। परेशान भैया यह है कि रह खठौन नहीं है, माटी डारा लड़कन का राख राख नहीं, पानी भरी आवत आवास आवास तो नहीं मिला? नहीं मिला ना। क्यों, योजनाएं तो तमाम आ रही हैं? आ रही भैया, जब हमका नहीं मिला तो हम दुनिया कहा जाने की आ रही। प्रधान जी से नहीं कहा क्या आपने? प्रधान से भैया कई बार ही कहा, नहीं देती हैं वही है। कौन है प्रधान? अनूप प्रधान। अनूप प्रधान है, क्या बोल रहे हैं? वो कह रहे हैं कि साइटें नहीं खुला, जब साइट खुली है तब देख जाए। तो बरसात में कैसे आप लोग रहती होंगी? जैसे भैया रह ही रहे वैसे आप सबको देख ही रहे। किसी अधिकारी से मुलाकात हुई कहीं आप लोगों ने शिकायत किया तक? शिकायत तो हम नहीं किया, यही गए हैं तो कहें कि तुम ना जाओ, हम खुद कही ले बे, या जब नहीं कही रहे हैं फिर काल गए। आप ही को आवाज़ नहीं मिला कि कोई और भी लोग हैं? भैया बहुत जने हैं। क्यों आप लोग शिकायत नहीं करती क्या? प्रधान से नहीं कहती? प्रधान तो आप ही लोग तो जिताती हैं प्रधान को। जब प्रधान ही आते हैं नहीं तो कैसे शिकायत करें? और आते हो तो कहिए हाँ ठीक 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 आग देख ले बे, और फिर दोबारा जब मुड़के नहीं दिया खाती। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।